30 फरवरी 2019 सुमित नाम का एक छात्र हॉस्टल से घर आया और घर का अच्छा खाना खाते ही बीमार पड़ गया और आज तक उसकी टट्टियां नहीं रुक रही। डॉक्टर्स की माने तो कई सालों तक मेस का खाना खाने से सुमित के शरीर में कुछ गहरे बदलाव हो गए हैं। तो क्या है जो बनाता है मेस के खाने को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक? क्या ये सिर्फ एक नौसिखिए बावर्ची की करतूत है या इसके पीछे है बाहरी ताकतों का हाथ? पिछले 2 सालों में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक है, मेस का खराब खाना। सालों से छात्रों पे हो रहे मेस के अत्याचार से परेशान एक लौंडे ने आवाज उठाई सामने आए इस शर्त पे कि उनकी पहचान को गुप्त रखा जाए। तो मिलिए राजू से जिनका असली नाम श्याम है। अरे भड़वो। सॉरी राजू भाई, आप निश्चिंत रहिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, सब कुछ ब्लर है, आप पानी पीजिए ना। जो भी मैस के खराब खाने के खिलाफ आवाज उठाता था उसे उठाकर ले जाते थे और फिर उसे नॉनवेज में खिचड़ी, बिना आटे की रोटी और दही की जगह। मैंने तो यहां तक सुना है कि मैस की दाल में जो पीलापन होता है वो हल्दी का नहीं है। और एक दिन तो इतना मारा वाचोदी। आप ही बताइए, क्या लाइब्रेरी में छुप के खाना गुनाह है? नहीं। क्या खाना खाते वक्त लाइब्रेरी में स्पीकर पे पॉर्न देखना गुनाह है? हाँ बे गांडू। अच्छा, सॉरी, तभी सोचूं। लेकिन अत्याचार का क्या करूं बड़े? लेकिन स्टूडेंट्स पे हॉस्टल मेस का अत्याचार आखिर कब शुरू हुआ, जिसकी वजह से आज भी चावल में कंकर है और चिकन लॉलीपॉप में लॉलीपॉप? अगर हिस्टोरियन बोका खोदा की माने तो इसकी जड़ें जुड़ी हैं हमारे इतिहास से। मिस्र से लेकर इजिप्ट तक का पिरामिड में मेस का खाना का अवशेष मिला है। इनफैक्ट दिल बोले हरिप्पा सिविलाइजेशन में मिले बर्तनों के अवशेष को जब हमने स्कैन किया तो हमको पता चला कि इसमें कोई स्टूडेंट खाना खाया है और फिर खा के रसोईया के मुंह पे थूक दिया। और फिर उसके बाद वो नोएडा से खूब सारा लौंडा बुला लिया उसको पीटने के लिए। सॉरी, लौंडा गाजियाबाद से आया था, थोड़ा ट्रांसलेशन एरर हो जाता है कभी कभी। इसमें कहानी खत्म हो गया, आगे वाला देखते हैं। उनमें से एक लौंडा मोहन जो दारू पी के आया था वो छोटा गोल्फ्लेक नहीं मिलने की वजह से बहुत गुस्सा हो गया और सब बर्तन फेंक के फोड़ दिया। ये देखिए, इधर भेंगा हुआ है। अरे छोटा गोल्फ्लेक तो इसके अंदर ही है। फाइंड ऑफ द सेंचुरी, आई एम ए लकी मैन। हिस्टोरियन बोका खोदा की बात को वजन देता है ये सनसनीखेज वीडियो, जिसे अपलोड किया है अवार्ड विनिंग पत्रकार के इंटर्न श्री मैकडॉनल्ड सरदेसाई ने। इंटरनेट पे अपलोड होने के कुछ ही देर बाद इस वीडियो ने तहलका मचा दिया। जस्ट किडिंग, किसी ने इसे झांटा नहीं देखा। मेरा नाम मैकडॉनल्ड सरदेसाई है। मैं पिछले 30 सालों से मेस के खाने पे रिसर्च कर रहा हूँ। इसी दौरान मुझे कुछ ऐसे खौफनाक राज पता चले हैं जिनके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए दिखा देता हूं। ये हमारी कलची है, ये हम हैं और यहां मेस में आतंकी तैयारी हो रही है। गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई टेस्टी खाना बनाने की?
बिगाड़ो, सब्जी और बिगाड़ो, खाके उनकी भूख काप जानी चाहिए। शहादत दो और इस शहादत से तुझे 72 पिज्जाओं से नवाजा जाएगा। हर साल काबुल में रसोइयों की ट्रेनिंग कैंप लगाई जाती है, जहां पे वेज तालिबान वाले उनको टट्टी खाना बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। यहां तक कि मैं खुद उन कैंप में एक साल तक स्लीपर सेल बनके सोता रहा। दूध मांगोगे, खीर मांगोगे, हीरा देंगे। मुझे डर लग रहा है कि कुछ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा। भागो, भागो। लेकिन साइंटिस्टों की माने तो मैस के खाने का राज छुपा है इंसानी जीन्स में, जिसे फोर्थ लॉ ऑफ लूज मोशन नाम की किताब से समझाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ धनबाद के प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस कूकर ने। हाँ, इसको गैस पर चढ़ा देना, डीएनए कच्चा है अभी। तो अगर हम इंसानी डीएनए पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जो द्रविडियंस की नस्ल थी उनका डिफेंस हमेशा से अच्छा रहा है, और ये बात पुजारियंस और विहारियंस में कभी नहीं पाई गई, क्योंकि वो मैस का खाना खाते थे। अब आप इस इंसानी स्केलेटन को ही देख लीजिए, बॉडी डिकम्पोज हो जाने के बाद भी अगर आप ध्यान से देखें तो मैस की रोटी कहीं गांड के छिद्रों के बीच फंसी मिल जाएगी। अगर आप इसे वही स्वाद, बिना स्वाद का। अब ये गुत्थी सुलझते जा रही थी, इसे उलझाने के लिए हमने एक मैस के बावर्ची के दिमाग पे जब शोध किया तो पाया कि जब हमने उसे गाजर, दूध, शक्कर, पिस्ते दिए तो उसने लैब में गाजर का हलवा बना दिया। लेकिन जब हमने यही सेम सामग्री उसे मैस में दी तो उसने करेले की सब्जी बना दी। हमने ये एक्सपेरिमेंट 8 बार दोहराया और हर बार अजीब अजीब रिजल्ट आए, हम चौंक गए थे। भोसड़ी के रेड शर्ट तू वाइट कर दिया, नीचे उतर बैंच तू। क्वांटम फिजिक्स के सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा लेने के बाद बाबा बंगाली के सलाह पे मैंने एक ऐसे इंसान को वहां भेजा जो कभी खराब खाना बना ही नहीं सकता, मेरी माँ, प्यारी माँ। लेकिन वहां जाकर मेरी माँ ने भी इतना खराब खाना बनाया कि मैं खुद अब खाना बना के खा रहा हूँ। हाँ, सीटी लग गई क्या यार? निकाल दो वड़ा पाव, निकाल दो। अरे मम्मी यार, आपका खाना भी खा लूंगा, आज मंगलवार है, चिकन बना दिया था ना आपने, पहनिए इसको, पहनिए। ये समस्या कठिन है, छोड़ दीजिए, विज्ञान की भी गांड फट गई, अब तो मुंह मोड़ लीजिए, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की किस्मत में है मेस का खराब खाना। वो स्टूडेंट्स जिन्हें डराया गया, धमकाया गया, गरियाया गया, मगर ये डटे रहे, खड़े रहे बेशर्मों की तरह मैस की लाइन में थाली लेके, इस उम्मीद में कि आज रोटी नरम होगी, आज चावल गरम होंगे, आज बिरयानी में चिकन मिलेगा, अब छिपकली खाई नहीं जाती। लेकिन इस बदलती दुनिया में एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, वो है मैस का खाना। लेकिन हमें क्या, हमारे यहाँ तो मेड आती है, 3,000 रुपया महीना लेती है, लेकिन एक टाइम का बनाती है और आधा ले जाती है, हरामजादी। सॉरी दीदी। Hey guys, तो आपको हमारी नई प्रॉपर्टी मिस्ट्री बिहाइंड का पहला एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे अभी के अभी जाके लाइक करें, इस पे कॉमेंट करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ये भी बताएं कि आप और किस किस चीज़ का रहस्य जानना चाहते हैं। और ऐसे ही असम कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द वायरल फीवर। बाय बाय।